कपिल शर्मा शो में पवन सिंह ने बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि द कपिल शर्मा शो में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं, इस राज का खुलासा खुद पवन सिंह ने किया। पवन सिंह ने कहा कि मैं मीडिया इंटरव्यूज़ या यूं कह ले मीडिया इंटरेक्शन से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि जो मैं कहता नहीं उस बात को तोड़ मरोड़ के इस कदर पेश किया जाता है, ऐसे लगता है कि मैंने ये बात कही है, या यूं कह ले कि मेरा कुछ इंटेंशन उस तरफ नहीं होता है जिस तरफ लोग कर देते हैं। अब ऐसी चीज़ों से मैं कुछ ज़्यादा ही चिढ़ता हूँ, मेरा टेम्पर हाई इन सारी चीज़ों से हो जाता है, मेरे हाथों कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना रहता है। यहाँ पर खेसारी और अपनी दुश्मनी पर चुटकुले लेते हुए पवन सिंह ने ये कह दिया कि भाई अब हम किसी के भी चक्कर में अपने यारों दोस्तों से पंगा नहीं लेंगे। मुझे बदनाम करने के लिए लोगों ने कुछ ज़्यादा ही साजिशें कर ली। वैसे यहाँ पर पवन सिंह ने अपने कई गानों पे परफॉर्म किया है, लॉलीपॉप लागे लू, छलकत बा हमारी जवनिया और बदनाम कर दोगी। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह की एंट्री ही लॉलीपॉप गाने पर होती है। जी हाँ, पवन सिंह की एंट्री के टाइम लॉलीपॉप गाना बजाया जाता है और दर्शक खड़े होकर पवन सिंह की यानी स्टैंडिंग ओवेशन में पवन सिंह का स्वागत करते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि ये शो आने वाला कब है। ये शो आने वाला है अगले हफ्ते ही। यहाँ पर पवन सिंह ने अपनी कई चीज़ों को रिवील किया, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया करते थे, फिर क्यों उन्होंने अपनी बीच में ही पढ़ाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना फुल फ्लेज करियर बनाने की सोची, और फिर अपनी और निरहुआ की दोस्ती, और यहाँ तक ये भी बताया कि मेरे बड़े भाई का दर्जा अगर मैंने किसी को दिया है तो वो कोई और नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी के बारे में यहाँ पर पवन सिंह ने ये भी कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को वो दिया जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री खो चुकी थी। साथ ही रवि किशन को अपना आइडल तक बताया, कहा कि अगर आपको किसी का स्टाइल कॉपी करना है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आप रवि किशन की स्टाइल बेझिझक कॉपी कर सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।